नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर एनएचएम सीएचओ भर्ती 2020 को लेकर 100 से अधिक याचिकाओं का निस्तारण किया गया। कमलेश चौधरी बनाम राजस्थान सरकार और अन्य की जो रिट याचिकाओं में जो फैसला दिया गया था राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कि 7 अप्रैल तक जितनी भी जो ग्रीवियंसेज हैं अभ्यर्थियों की, जिन्होंने ग्रीवियंसेज पोर्टल पे आवेदन नहीं किया या ग्रीवियंसेज नहीं डाली, उनसे 7 अप्रैल तक ग्रीवियंसेज या उनकी प्रतिवेदनाएं लें और उसके बाद में 9 अप्रैल तक रिजल्ट जारी करें। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 7 अप्रैल तक जो ग्रीवियंसेज पोर्टल चालू रहेगा और 9 अप्रैल तक ग्रीवियंसेज का निपटारा करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों इसी को लेकर एनएचएम ने जो ग्रीवेंसेस पोर्टल है वो चालू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रीवेंसेस पोर्टल है उसमें लिखा आ रहा है कि लास्ट डेट टू फिल योर ग्रीवेंसेस इज 7 अप्रैल 2021। तो दोस्तों ग्रीवेंसेस पोर्टल ओपन हो गया है। आपकी अगर कोई भी सीएचओ भर्ती 2020 को लेकर कोई परिवेदना है, कोई शिकायत है, तो आप दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंडेड कैटेगरी में डाल दिया, या आपका जो सर्टिफिकेट था, कास्ट सर्टिफिकेट था, ओबीसी एनसीएल का था, आपको सीएल कैटेगरी में डाल दिया, पीएच का था, जनरल कैटेगरी में डाल दिया, या अन्य कोई भी समस्या थी, तो अब आप 7 अप्रैल तक ग्रीवेंसेज पोर्टल पर अपनी ग्रीवेंसेज, अपनी पीड़ा या अपनी शिकायत है वो दर्ज यहां पर करवा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ग्रीवेंसेज पोर्टल पर जाना है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के गेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट पे क्लिक करेंगे वहां पर एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको ग्रीवेंसेज की समरी डालनी है, इसके अलावा सपोर्टिंग जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करना और सबमिट कर देना है। अगर आपके एक से अधिक ग्रीवेंसेज हैं तो ऐड मोर पे क्लिक करना है और दूसरा जो ग्रीवेंसेज शिकायत है, जो पीड़ा है वो डालनी है और उससे संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है और सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से आप 7 अप्रैल तक ग्रीवेंसेज पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रीवेंसेज पोर्टल यहाँ पर चालू कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने यहाँ पर आदेश दिया था कि 7 अप्रैल तक ग्रीवेंसेज ली जाए और 9 अप्रैल तक ग्रीवेंसेज का निस्तारण करते हुए 9 अप्रैल को यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाए। इसी को लेकर मैं बता दूं, एनएचएम ने यहाँ पर rajswasthya.nic.in पर ग्रीवेंसेज पोर्टल चालू कर दिया है और लास्ट डेट जो ग्रीवेंस पोर्टल की है वो 7 अप्रैल रखी गई है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।